ईशान के
आप खेती करते हो, आप खेती करते। इसी तरह आप डॉक्टर हैं यानी कि आप डॉक्टर छो, आप दर्दी की क्या दर्दी का इलाज करते हो, इसी तरह तुम्हें खेती छो, तुम्हें खेती करो छो। तो देखा यहाँ हमने आपका भी वाक्य बनाया, इसी तरह आपको मैं हम तुम और आपका वाक्य बनाना है। अब आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, देखो यहाँ मैं और के अंदर, के ऊपर, के नीचे और के पास, बराबर से ये जो उसका अर्थ है, એટલે કે અંદર એટલે કે જે ગમે તે વસ્તુની અંદર, બરણીની અંદર, ઝાડની અંદર, નીચે જળની નીચે, જળની ઉપર, ટેબલની નીચે, ટેબલની ઉપર, उसका वाक्य आपको किस तरह बनाना है, अब मैं आपकी किताब में मैं आपको सिखाती हूँ। विद्यार्थी मित्रों जो यहाँ अभ्यास આપણે છ, મેં, હમ, તું, આપ, બરાબર છે। હમણાં આપણે ગળ પર જોયું એ પ્રમાણે અહીંયા આગળ જોઈએ, મેં તુષાર હું, એટલે કે મેં યાની કે હું તુષાર છું, મેં વિદ્યાર્થી હું એટલે કે હું વિદ્યાર્થી છું, મેં સ્કૂલ જાતા હું સ્કૂલ જાઉં છું। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં યાની કે હું તુષાર છું, હું વિદ્યાર્થી છું, હું સ્કૂલ જાઉં છું, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે છે મેં, ફરી જો મેં દીપાલી હું, છોકરીનું નામ થયું, બરાબર, મેં વિદ્યાર્થીની હું, મેં સ્કૂલ જાતી હું। અહીંયા આગળ આ છોકરી છે, ઘડી છોકરાનું ચિત્ર તમને દેખાઈ રહ્યું છે, તુષાર છે, જુઓ અહીંયા આગળ તે કોણ છે, વિદ્યાર્થી છે, ક્યાં જાય છે, જુઓ સ્કૂલ જાય છે, બરાબર, એ રીતે જુઓ અહીંયા આગળ મેં દીપાલી હું, આ દીપાલી છે છોકરીનું નામ, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં વિદ્યાર્થીની હું, તમારે મેનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવવાના છે। જો અહીંયા આગળ આગળ મેં સ્કૂલ જાતી હું, દીપાલી ક્યાં કહેતી હે, મેં વિદ્યાર્થીની હું, મેં સ્કૂલ જાતી હું। તો જો દેખાઈ દે રહા ને આપકો ચિત્ર મેં, અબ આગે દેખે, દેખો યહાં હમ લડકે હે, હમ દેખો યહાં એક દો તીન, તીન લડકે હે, એક સે જ્યાદા હે, યાની કે હમ, એક સે જ્યાદા લડકા હે, ઇસલિયે હમ યહાં હમ લગાતે હે કે હમ લડકે હે। हम पढ़ते हैं, देखो यहाँ लड़के क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लड़के हैं, हम पढ़ते हैं। अब देखो हम लड़कियाँ हैं, हम पढ़ती है, देखो यहाँ ये तीन लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो देखो यहाँ हम लड़कियाँ हैं, हम पढ़ती है। आगे देखो यहाँ तुम विद्यार्थी हो, यानी कि तुम કોણ કહે છે, છોકરી જો છોકરાની કહે છે કે તુમ વિદ્યાર્થી હો, તુમ ચોથી કક્ષા મેં પડતે હો, આપણે બીજી વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ, બરાબર, એટલે તુમ યાની કે તમે વિદ્યાર્થી છો, તમે ચોથી કક્ષામાં પડો છો, એટલે કે તમે ચોથા ધોરણમાં ભણો છો। આગળ જોઈએ તુમ વિદ્યાર્થીની હો, હવે લડકા લડકી સે કહ રહા કે તુમ વિદ્યાર્થીની હો, તું શું છે, હા તમે વિદ્યાર્થીની છો, તું ચોથી કક્ષા મેં પડતી હો, તમે કયા ધોરણમાં ભણો છો, તમે ચોથા ધોરણમાં ભણો છો, કક્ષા યાની કે ધોરણ। અબ આગે દેખે, દેખો યહાં આપ કિસાન હે, આપ દેખો યહાં આપ કિસાન હે, આપ ખેતી કરતે હે, તમે આપ યાની કે તમે, આપ કિસાન હે, તમે ખેડૂત છો, આપ ખેતી કરતે હે, તમે ખેતી કરો છો। અબ દેખો આગે आप डॉक्टर है, देखो यहाँ डॉक्टर को कहा गया है कि तमे डॉक्टर छो, आप अस्पताल जाते हो, तमे क्या जाओ छो, अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल में जाओ छो। तो विद्यार्थी मित्रों देखो यहाँ हमने क्या देखा, हम, मैं, तुम, आप जैसे उपयोग करके वाक्य बनाया। अब आगे देखे, देखो यहाँ अभ्यास सात, मैं के अंदर, के ऊपर, के नीचे और के पास, नीचे, अंदर, ऊपर और पास का हमें उपयोग करके वाक्य बनाना है। देखो यहाँ ये क्या है, जार है, देखो यहाँ ये मछलिया है, मछलिया है, देखो यहाँ ये मछलिया पानी में है, कहाँ है, पानी में, लेकिन पानी किस में है, मछलिया जार के अंदर है, ये जार है, जार के अंदर पानी है और उसमें क्या है, मछलिया है, तो ये मछलिया है, बराबर, मछलिया पानी में है, मछलियों क्या छे, पानी में छे, मछलियां जार जार के अंदर है,
झारनी अंदर माछलियों छे। जो दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ। अब आगे देखें, देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ वह किताब है, ते किताब छे, लेकिन ते चौपड़ी छे, दूरनी वस्तु थे, किताब मेज पर है, किताब क्या छे, मेज यानी कि टेबल, किताब यानी कि चौपड़ी टेबल पर छे, किताब के मेज के ऊपर है, किताब किस पर है, मेज ऊपर, एटले के चौपड़ी जे छे ए टेबल नी ऊपर छे। देखो यहाँ हमने ऊपर का ऊपर और किसकी बात की, वह का उपयोग किया, पर, बराबर। अब आगे देखे, यह गाय है, एटले के आ गाय छे, गाय पेड़ के नीचे है, यहाँ हमने नीचे का उपयोग किया, गाय पेड़ के नीचे है। देखो यहाँ गाय घास खा रही है, गाय क्या खा रही है, गाय घास खा रही है। अब आगे, वह पाठशाला है, एटले के ते शाळा छे, जो यहाँ घड़ी दूर छे, दूरनी वस्तु माटे आपणे वह वापरीए छे, वह पाठशाला है, ते शाळा छे, पाठशाला के पास पेड़ है। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये पाठशाला और उसके पास क्या है, पास का यहाँ मैंने उपयोग किया, ये पाठशाला के पास पेड़ है, पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ नीचे पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ है, पेड़ के नीचे, देखो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं ना, हाँ, तो देखो यहाँ पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। अब आगे देखें, अभ्यास आठ, मेरा तुम्हारा उसका, मेरा यानी कि मारू, तुम्हारा यानी कि तमारू, उसका यानी कि तेमनू, यह किताब है, यह मेरी किताब है, आ चौपड़ी छे, आ मारी चौपड़ी छे। देखो यहाँ, अब आगे देखे, वह कलम है, ते पेन छे, वह अनिल की कलम है, किसकी, अनिल की कलम, उसकी जेब में है, जेब यानी कि खिसू, जो यहाँ गड़ी, हाँ, तो कलम पेन क्या छे, तेनी, उसकी यानी कि तेनी क्या छे, पॉकेट में छे। अब आगे देखे, यह थैला है, यह थैला है, लड़की कह रही है, यह नवीन का थैला है, किसका थैला है, ये नवीन का थैला है, यह उसका थैला है, आ तेनो उसका यानी कि तेनो थैलो छे, कोनो छे, तो के नवीन नो, बराबर। अब आगे देखे, अब देखो विद्यार्थी मित्रों, वह कापी है, एटले के देखो यहाँ कॉपी, यहाँ एटले के चौपड़ी छे, वह आशा की कॉपी है, ये जे चौपड़ी छे ए आसानी छे, बराबर। यह कंपास है, आ कंपास से, यह तुम्हारा कंपास, आ तुम्हारा यानी कि तुम्हारो कंपास छे। अब देखो यहाँ अभ्यास नौ, क्या, कहा, कब, कौन, कितने, यहाँ एक चित्र दिया गया है, देखो यहाँ सुंदर चित्र है, चित्र का वर्णन करना है। देखो यहाँ चित्र में क्या क्या है, एक घर है, गाय है, लड़की है, दो क्या है, मोर है, फिर ये बंदर है, पेड़ है, बंदर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बराबर। अब देखो यहाँ शिक्षक चित्र के आधार पर प्रश्न पूछेंगे, छात्र उत्तर देंगे। मैं यहाँ ऑफलाइन वीडियो है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यह क्या है, यह गाय है, यह देखो ये क्या है, तो ये गाय है। आपको ये चित्र का वर्णन करते हुए प्रश्न बनाना है और लिखना है। अब आगे का प्रश्न देखें, बंदर कहाँ है, तो बच्चों उसका आंसर क्या, उत्तर के बंदर पेड़ के ऊपर है, बंदर कहाँ है, बंदर पेड़ के ऊपर है। गाय कहाँ है, तो गाय पेड़ के नीचे है, गाय पेड़ के नीचे है। मोर कब नाचता है, तो मोर कब नाचता है, जब बारिश होती है तब मोर नाचता है। बंदर क्या कर रहे हैं, तो बंदर खेल रहे हैं। पेड़ पर कितने बंदर है, पेड़ पर दो बंदर है। तो देखा मित्रों, आपको क्या करना है, यह चित्र का वर्णन करना है, देखो चित्र को पहचानना है और चित्र के आधार आपको प्रश्न के उत्तर लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने मैं, तुम, वह, यह, उसका, तुम्हारा का उपयोग करके मैंने आपको वाक्य बनाना सिखाया। तो आशा रखती हूँ आपको ये चित्र वर्णन और सभी वाक्यों बनाना आ गया होगा। आपको वीडियो बारी बारी देखना है और समझना है। थैंक यू।